संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 की घोषणा कर दी है। साल 2021 के लिए श्रुति शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में पहला स्थान प्राप्त करने वाली श्रुति शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। इसके बाद श्रुति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने इतिहास की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने 2 वर्ष तक जामिया आरसीए से तैयारी की है। इस मौके पर श्रुति की मां ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी तो देखिए क्या बदलाव आता है, बाकी बस अभी तो यही कि इतनी खुशी हो रही है कि उसका जो उसने अपना करना शुरू किया था वो अपने प्रयास में सफल रही, उसी की खुशी से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उसको वो बहुत खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। आइए अब आपको मिलाते हैं श्रुति से, उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनकी सफलता का राज, और साथ ही उनसे ही जानते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही। वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस रिजल्ट। स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद के अपने नोट्स में बनाती थी, न्यूज़पेपर से अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। तो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। मेरी फ्रेंड से भी बात होती थी, सोशल मीडिया पर भी मैं थी, बट बैलेंस तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन, बट कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं किया था, बट आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यूपी काडर ही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, तो उसी में मैं काम करना चाहूंगी। डेली बेस में पेरेंट्स भी यूपी से हैं, दादा दादी का घर भी वहां पर था, तो हमेशा आना जाना तो लगा रहता ही है हमारा यूपी में। पापा भी अभी एक छोटा स्कूल है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम करना चाहूंगी उधर। अगर आप भी श्रुति की तरह सफल होना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी स्ट्रेटजी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।